नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे HP इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो रिक्रूटमेंट, जिसमें 9 पदों को जो है भरा जाएगा और इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी 10वीं पास, और लास्ट डेट इसका जो है वो 30 अप्रैल इन्होंने रखा है। तो ये फोर्थ क्लास PN के जो है वो 9 पद हैं, जिसमें SA के लिए 1 पद है, UR के लिए 4 हैं और OBC के जो है वो 2 पद हैं, EWS के 2 पद हैं, ठीक है। सिमिला कैडर में जो है वो 2 पद हैं, जिसमें UR का 1 है, SC का जो है 1 है। कांगड़ा कैडर में जो है 4 पद भरे जाएंगे, जिसमें UR का 3 है और EWS के 1 पद है। बिलासपुर में जो है 1 पद भरा जाएगा, कुल्लू कैडर में 1 और सिरमौर कैडर में 1 पद जो है वो भरा जाएगा। योग्यता इसमें 10वीं पास है। आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष के बीच का कैंडिडेट जो है वो इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। और 275 रुपीज़ प्रतिदिन के हिसाब से जो है आपको सैलरी दी जाएगी। और आवेदक जो है वो कैंडिडेट जो है जब फॉर्म फिल करेगा तो ऊपर जो है वो अपने जिस जिला के लिए अप्लाई करेगा उसका नाम लिखना जो है अनिवार्य रहेगा। और अभ्यर्थी को जो है वो सभी अपने जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है उसके साथ साथ और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनका फोटोकॉपी जो है आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। और इसका आप जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने साफ साफ दे के रखा है। और एक बार आप अगर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो एक बार ज़रूर जो है वो क्लियर हो के नोटिफिकेशन जो है रीड करें और उसके बाद ही अप्लाई करें। इसमें इन्होंने ये आपका एड्रेस रहेगा आवेदन पत्र का, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, ब्लॉक नंबर 38, SDA कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला 171009 में जो है वो 30/4 तक पहुंच जाना चाहिए। जो है वो परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा आई थिंक। और इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बता के रखा है, अगर आप इच्छुक हैं तो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़िएगा। क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत की गणना जो 85 से की जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि मैट्रिक में आपके 50% अंक प्राप्त किए हैं तो 42 पॉइंट अंक जो है दिए जाएंगे। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, इसी के आधार पर जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर जो है सिलेक्शन होगी। जो भी इच्छुक हैं वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका फॉर्म है, यहाँ हम अपना ज़िले का नाम बताएंगे जिस ज़िले के लिए आप जो है वो अप्लाई करेंगे। नाम हो गया, ये तो नॉर्मल सा है, ये तो आप वैसे फिल कर लेंगे। और ये यहाँ पे आपका पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, यहाँ क्वालिफिकेशन, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट का नंबर लग जाएगा, ठीक है, रोजगार कार्यालय का। और ये नीचे उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है, ये आपको भरना है। मैं अपना नाम जो भी है गांव डाकर ये है, और सारी मेरे द्वारा जानकारी दी जाने वाली जानकारी सब सत्य और सही है, और मैं कुछ भी जो हूँ छुपा नहीं रहा हूँ। नीचे सिग्नेचर करके एड्रेस मैं आपको बता दिया है, वो आप जो है वो भर के जो है उस बाई पोस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करके जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और कृपया जो है वो अप्लाई करने से पहले एक बार जो है वो नोटिफिकेशन को क्लियरली रीड कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, थैंक यू। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय।